धर्मनगरी हरिद्वार में कल गुरुवार को गंगा दशहरा स्नान किया जाएगा। गंगा दशहरा के साथ निर्जला एकादशी का पर्व भी होने से लाखों की संख्या में देश भर से श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने व्यापक रूप में ट्रैफिक प्लान तैयार किया है, जो आज रात 2 बजे से लागू हो जाएगा। ये ट्रैफिक प्लान 9, 10 और 11 जून तक लागू रहेगा। वहीं यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को दिल्ली की तरफ से आने वाली बसें और ट्रैक्टर ट्रॉली को ऋषिकुल मैदान में पार्क किया जाएगा।